हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। में बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। तो एक यहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए आज स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, क्योंकि जो 3-4% की तेजी थी वो आज बढ़कर लगभग 7% के आसपास अपनी क्लोजिंग देते हुए नजर आया, क्योंकि एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नंबर्स आए थे कल की डेट में वो कोई ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आए थे, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े स्टॉक के ऊपर। तो एक ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन चल आती है, क्योंकि बहुत चीजें जो है हम लोगों की पहुंच से बाहर होती है। एक अनुमान लगाते हैं हम कि हर बार कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअल की कहानी जो है वो उनको पता है, क्योंकि अनुमान लगा के भी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी गलत फहमियों से बचा जा सकता है। और वही चीज इस टाइम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि 5G ऑक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की झोली में कोई भी बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम सेक्टर में भले ही काम करती है, लेकिन उसका जो मेन कामकाज है वो सिर्फ टावर लगाने का है, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करने का है देश के अंदर। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के टावर्स लगे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ टावर्स लगे हैं। और ऑलरेडी जब कोरोना का टाइम था, ये चीज़ आप लोगों को सभी को पता है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जितने भी टावर्स लगाए गए थे केरला के अंदर, वो मोस्टली जो है उनकी चोरी हो गई थी। और उसके बावजूद से जो है लगातार कंपनी घाटे में ही देखने को मिली है। भले ही 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा। तो क्या कुछ अपडेट है आज की डेट में, क्या तेजी की वजह थी, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो जीटीएल इंफ्रा की अगर बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो मार्केट देखें आज, यानी कि इंडियन मार्केट जो है दलाल स्ट्रीट जो है उसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम थोड़ा सा ही देखने को मिला। 0.22% की तक की तेजी आज जो है देखने को मिली। एक फ्लैट स्टार्ट जो है स्टार्टिंग हुआ था, और उसके बाद जो मेंटेन करते करते अप डाउन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस टाइम अब जो रेजिस्टेंस जो लेवल जो फेस कर रही है इंडियन स्टॉक मार्केट, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो रेजिस्टेंस लेवल इस टाइम फेस कर रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और इस टाइम अगर उनमें गिरावट देखने को मिलती है, उन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, तो एक बड़ी गिरावट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और वही जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 7.69% की तेजी एनएससी पे, यानी कि बीएससी और एनएससी दोनों पे ही लिस्ट है कंपनी। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एनएससी पे अगर बात करूं तो 7.69% की तेजी है, और बीएससी पे जो है लगभग 8% तक की तेजी आज जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1.50 रुपये और 1.55 रुपये का, और बार बार स्टॉक जो है 1.40-1.45 रुपये तक की रेंज में आता है, बार बार फिर गिर जाता है, फिर एकदम से आता है फिर गिर जाता है। तो अभी अगर 5 दिन का चार्ट देखें तो 5 दिन पहले भी जो स्टॉक 1.40 रुपये पे ही था, और आज भी जो है 1.40 रुपये पे, तो 5 दिन के अंदर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव कोई भी रिटर्न नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर एक महीने की बात करूं तो 12% तक के रिटर्न जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक महीने के अंदर दिए हैं, जो बीच में तेजी आई थी उसके बाद कोई भी तेजी नहीं देखने को मिल रही। लगातार कंसोलिडेशन जोन है, अप डाउन मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की बात करूं तो 24% तक की करेक्शन, और अगर आज का वॉल्यूम देखें आप तो लगभग 10 करोड़ के आसपास का जो है वॉल्यूम आज की डेट में जो है 7,40,43,797 शेयर्स का, यानी कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम तो कह ही सकता हूं मैं कि ट्रेड हुआ है। 11 करोड़ के आसपास तो गया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल चार्ट में जरूर देखेंगे कि कितना वॉल्यूम आज की डेट में जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिला। एक मोटे मोटे तौर पर आरएसआई लेवल देखें तो लगभग 50 पॉइंट्स को क्रॉस करके आरएसआई लेवल एक बाइंग जोन में अपनी अपॉर्चुनिटी बना के बैठा हुआ है। लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम और एक अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करना जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास जब तक कामकाज नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी की खुद की हालत इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक अच्छा खासा, क्योंकि देखिए रिवेन्यू आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं, किसी भी स्टॉक में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? किसी कंपनी में आप स्टॉक नहीं खरीदते हैं, आप किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं, और कंपनी को जितना टाइम देते हैं, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं करेगा, स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं करेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और कंपनी का प्रॉफिट कब होता है? जब स्टॉक प्राइस ग्रो करता है, कंपनी का कामकाज बढ़ता है, और कंपनी के पास इस टाइम जो है बिल्कुल भी कामकाज बिल्कुल भी नहीं है, और जिसकी वजह से आप लोगों को भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर से शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। एक अगला विजन अलग बात है कि आने वाले टाइम में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास काम कितना आता है या नहीं आता है, कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी, वो एक अलग बात है। अगर आज का वॉल्यूम देखें तो 11 करोड़ के आसपास का जो है वॉल्यूम आज की डेट में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिला, और कल का वॉल्यूम भी लगभग 11 करोड़ का ही था, 5 करोड़ की डिलीवरी। मैं जो थोड़ी सी एक
अजीब बात वो ये है कि अगर स्टॉक में जो बिल्कुल भी पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर भी 50% के आसपास की डिलीवरी उठा कौन रहा है, और अगर इसकी कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करूँ तो 85% तक की बाइंग कॉल आ रही है, 10% सेल और 5% होल्ड की कॉल आ रही है। तो कहीं ना कहीं 85% जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने कंपनी को चालू किया है तो ऑब्वियसली बात उनका पैसा तो लगा ही हुआ है। अब बहुत बार क्या होता है कि कंपनी अगर ठीक है भाई स्टार्ट कर ली, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि यार मैं कंपनी स्टार्ट गलत कर ली, एक गलत बिजनेस में आ गया हूं मैं, तब जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रमोटर्स ने तो कहीं ना कहीं से उसको निकालना भी तो पड़ेगा। अब थोड़ी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम, थोड़ा बहुत प्रमोशन हर जगह किया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को लुभाया जाए और उसके बावजूद जो है स्टॉक को डंप करके अपनी होल्डिंग्स को जो है बरकरार किया जाए। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है, 2018 से लेकर अभी तक 2022 आ चुका है तो नेगेटिव ही नेट प्रॉफिट कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है, और प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली पता है। डीआई की होल्डिंग 46%, 3.3% प्रमोटर्स की होल्डिंग, 50% पब्लिक की होल्डिंग है, यानी कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है, 50% में पब्लिक है और डीआई और प्रमोटर्स जो है 50% में, जिसमें से 46% जो है वो डीआई की देखने को मिल रही है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई बड़ा अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है ताकि जीटील इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। थोड़ी बहुत बल्क डीलिंग हो सकती है आज की डेट में, जिसकी वजह से 7.5% के आसपास की तेजी आज जीटील इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।